भाई इसको कोशिश करो 6 बजे तक इसको ताकि मोटरेबल हो जाए, गाड़ियाँ छोटी आनी जानी शुरू हो जाए। कर रहे हैं हमें क्या बहुत जरा क्यों लेटा हुआ है बच्चे तक लगाएगा रोड यहाँ पे खुदा हुआ है, इसकी वजह से आपको क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं? हमें बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो रोड अचानक से इन्होंने खोद कर रखा हुआ पूरा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द, या तो अगर इसको यहाँ पे रिपेयरिंग करनी थी तो इसको कम से कम आधा आधा करके रिपेयरिंग करनी चाहिए थी, जिससे आम पब्लिक को परेशानी नहीं हो। आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल आते हैं तो यहाँ से बीच रास्ते से ये ना तो यहाँ तो परेशान हो रहे हैं, काफ़ी परेशानी का शिकार हो रहे हैं, तो यहाँ से कोई आमदोरफ्त में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी है इसको ये तो बहुत ही गलत तरीके से इन्होंने इसको यहाँ पे जो काम लगाया हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम लगाया हुआ है, अगर लगाना ही चाहे तो करना ही था रिपेयर, कोई बात नहीं, रिपेयर करना ठीक था, बट इसमें कम से कम आधा आधा करते ताकि आमदोरफ्त भी लगा रहता। आमदोरफ्त बहुत ही ज़रूरी है, आमदोरफ्त बच्चों के लिए, खासकर छोटी गाड़ियाँ साइड से निकलती रहती तो वो बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे हम बहुत ही परेशानी हुई है क्योंकि ये बिल्कुल रोड सेंटर में इन्होंने जो ये अचानक से इनको काम लगाया हुआ है, इससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें। पेशेंट सुना, सीधी सी बात है, वहाँ से अगर कोई पेशेंट तो कैसे आर पार कर सकते। हाँ, जैसे वहाँ पर कोई पेशेंट लेटा है तो बहुत ही प्रॉब्लम, आम हर इंसान को प्रॉब्लम है, चाहे पेशेंट हो, आम आदमी हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सुकुली हो, क्योंकि ये तो ऐसा रास्ता है नहीं, ये सबसे ज़्यादा पूरे गुल एरिया में सबसे ज़्यादा आमदोरफ्त इसी रास्ते पर होता है। हम इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें कुछ हल निकाला जाए, कम से कम आम आदमी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो उनको थोड़ा स्ट्रांगली इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी करनी चाहिए कि जिसे आमदोरफ्त में कोई किसी भी बच्चे को, स्कूली बच्चे को, पेशेंट को, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 10 साल से भाई ने निकाल दिया है, बोला तुझे अपना हिस्सा पापा ने दे दिया है, वो रोड के नीचे हो गया, मुझे मुआवजा वावजा कुछ भी नहीं मिला है। 10 साल से अंकल के पास बस रहा हूँ, खा पी रहा हूँ अंकल के साथ, नहीं घर है, नहीं बार है, नहीं कुछ हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ। जब से रोड बनाया तब से मुआवजा नहीं मिला है, 20 साल करीबन 20 साल हो गए, करीबन 20 साल से मुआवजा नहीं मिल रहा है। पापा लोग हिस्सा करके दिया था, आज भाई लोग बोलते हैं आपका हिस्सा मिला है, यहाँ पर मत आ जाओ, हमारे घर में झगड़ा है, अंकल के पास बस रहा हूँ, अब मैं मजबूर हूँ, क्या हो जाएगा आप लोगों की इच्छा मिल जाए तो हम कोई कहीं मंजिल पा लेते, कुछ कर लेते अपने लिए, गुजारा कर लेते कुछ।